हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज मैं आई हूँ माथेरान। तो माथेरान जाना जाता है इसके व्यूज़ के लिए और प्लीजेंट वेदर के लिए। मुंबई और पुणे के लोगों के लिए ये वन ऑफ द पॉपुलर वीकेंड गेटवे डेस्टिनेशन है। इट इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन इंडिया वेयर ऑल मोटराइज व्हीकल्स आर कम्प्लीटली बैन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माथेरान कैसे आते हैं, यहाँ स्टे के क्या ऑप्शंस है, खाने पीने के लिए क्या ऑप्शंस है एंड टोटल एक्सपेंसेस। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बाय ट्रेन सबसे इजी एंड अफोर्डेबल वे है माथेरान आने का। नेरल सबसे क्लोज रेलवे स्टेशन है माथेरान से। सेंट्रल लाइन से कर्जत जाने वाली ट्रेन लेके नेरल उतर जाना। नेरल से माथेरान आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो, लेकिन बारिश के दिनों में टॉय ट्रेन बंद होती है। ठीक स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आपको माथेरान के लिए कैब मिल जाएगी। अडल्ट के चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड फॉर किड्स 50 रुपीज़ पर पर्सन। 20 to 25 मिनट्स में आप अच्छे नज़ारे देखते देखते माथेरान पहुंच जाओगे। अगर आप बाय रोड बाइक और कार से आ रहे हो तो मुंबई टू माथेरान 83 किलोमीटर है और पुणे टू माथेरान 123 किलोमीटर है। यहाँ पार्किंग के लिए बहुत जगह है। फोर व्हीलर के लिए चार्जेस है 100 रुपीज़ पर डे और टू व्हीलर के लिए चार्जेस है 60 रुपीज़ पर डे। माथेरान में आते ही आपको एंट्री फी टिकट निकालना पड़ता है। अडल्ट एंट्री फी है 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड फॉर किड्स 25 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से आप हॉर्स राइडिंग करके माथेरान जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है बग्गी से जा सकते हो, या अभी थर्ड ऑप्शन है ई ऑटो रिक्शा जो कि अभी अभी शुरू हुई है, जिसका प्राइस है 35 रुपीज़ पर पर्सन। और सबसे ब्यूटीफुल और कन्वीनियंट वे है बाय टॉय ट्रेन जो आमन लॉज से आपको मिल जाएगी, जिसका प्राइस है सेकेंड क्लास का 55 रुपीज़ पर पर्सन। और लास्ट ऑप्शन है आप बाय वॉक भी सीधा ट्रैक पकड़ के माथेरान स्टेशन पहुँच सकते हो। हमारी यहाँ पे टॉय ट्रेन मिस हुई थी तो हम भी बाय वॉक ही माथेरान पहुंचे। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. अगर आप माथेरान में स्टे करना चाहते हो तो माथेरान के मेन मार्केट के नियर बाय ही आपको बहुत सारे होटल्स रिसोर्ट्स इजीली मिल जाएंगे। मेरी फैमिली के साथ रुकी थी अशोक होटल, जिसका प्राइस था 7000 फॉर 4 पीपल और इसमें अनलिमिटेड लंच डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। अगर आप वन डे ट्रिप के लिए आ रहे हो तो भी आपको माथेरान मार्केट में बहुत सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। अभी हम फ्रेश होके जो माथेरान के नियर बाय पॉइंट्स है वो देखने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले माथेरान के मेन मार्केट में जो गार्डन है नौरोजी लॉर्ड गार्डन, वहाँ का माधवजी व्यू पॉइंट देखा। वैसे तो माथेरान में 38 to 40 पॉइंट्स है देखने के लिए, लेकिन सब पॉइंट्स बाय वॉक कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो जो जो मेन पॉइंट थे हम लोग ने वही देखे। अगर आप बाय वॉक नहीं घूमना चाहते तो आप घोड़ा भी ले सकते हो। ये लोग 600 to 700 लेते हैं 5 पॉइंट दिखाने के लिए।
अभी हम जा रहे हैं जो माथेरन के मुख्य पॉइंट है, जैसे कि चार्लोट लेक, लॉर्ड पॉइंट, इको पॉइंट, लुइजा पॉइंट, वो सभी एक ही डायरेक्शन में है उन्हें देखने। तो अभी हम जा रहे हैं चार्लोट लेक। आई कुठे आई दिसत नाही, आई लईच पाठी येत आहे। मी आपल्या हळूहळू गेला पुढे आता आधी बघा। मी खाली बघ बाई पुढे गेलो काढा हा आता आक्षे पुढे गेला तो पण। तो अभी हम पहुंच गए हैं चार्लोट लेक। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और यहाँ से लेक तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि काफ़ी फॉग था। यहाँ से आगे जाके आपको पिसरनाथ मंदिर मिलेगा जो कि माथेरन के ग्राम देवता है, तो वहाँ ज़रूर जाना, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं लॉर्ड पॉइंट देखने जो कि यहाँ से 1 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। जब क्लाइमेट क्लियर रहता है तब यहाँ से कलावंती फोर्ट, इर्शाल फोर्ट, लुइजा पॉइंट और प्रबल फोर्ट क्लियरली दिखाई देता है। अभी फॉग होने के कारण कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था, थोड़ा क्लियर हो रहा था, बाद में फिर से फॉग आ रहा था। तो ये है चार्लोट लेक, अभी फॉग क्लियर होने की वजह से लेक पूरी तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम डायरेक्टली चले गए इको पॉइंट देखने क्योंकि बहुत सारे जगह से व्यू पॉइंट दिख ही नहीं रहे थे फॉग की वजह से। इको पॉइंट पे भी वाटरफॉल की वजह से कुछ इको का आवाज़ रिवर्स सुनाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा माथेरान मार्केट में घूमने के बाद हम चले गए हमारे स्टे पे जो कि पेमास्टर पार्क से थोड़ा आगे था, और जाते वक्त हम पेमास्टर पार्क में भी रुके क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी। नेक्स्ट डे चेकआउट करके हम चले गए माथेरान टू अमन लॉज बाय टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन 100 साल से भी पुरानी है, ये 1907 में शुरू हुई थी। अगर आप माथेरान आ रहे हो तो ये टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस जरूर लेना। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
इस तरह मेरी माथेरान की ट्रिप यही कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।